हे कैसे हो आप सभी। तो वर्ष 2021 के लिए नोबेल प्राइज इन मेडिसिन कैटेगरी अनाउंस हो चुका है और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह अवार्ड किन व्यक्तियों को मिला है और किस चीज की डिस्कवरी के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है और इनकी जो डिस्कवरी है उसको भी हम सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस ट्रेंडिंग जीके के टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपके दिमाग में यही आएगा कि वो कौन से दो व्यक्ति हैं जिनको अब की बार का नोबेल प्राइज 2021 मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया है। तो सबसे पहले व्यक्ति हैं डेविड जूलियस और दूसरे व्यक्ति हैं एडम पेटापोशियन। ध्यान रखिए, मैं फिर रिपीट करता हूं, डेविड जूलियस और एडम पेटापोशियन, जो अवार्ड इन दो व्यक्तियों के बीच में हाफ हाफ बटा है। अब हम समझते हैं कि इनकी डिस्कवरी कि किस डिस्कवरी के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो एक बार आसान भाषा में इन दोनों की डिस्कवरी हम समझ लेते हैं कि इन्होंने डिस्कवर क्या किया है। देखिए क्या होता है हमारी बॉडी के ऊपर, आप प्रेजेंट में देखिए, जब आपका मोबाइल यदि आप प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं तो वो मोबाइल गर्म है, आप अपनी स्किन के ऊपर उसको रख के देखिए, आपको पता चल जाएगा आपकी बॉडी को कि ये टेम्परेचर आपके सहने लायक है या नहीं है। ठीक है, तो मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर जो हमें सारी फीलिंग्स आती हैं, फॉर एग्जांपल हम बॉडी के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं या फिर कोई गर्म चीज रखते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी बॉडी को कैसे पता चलती है, हमारी बॉडी के अंदर जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं उनके माध्यम से ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करते हैं, दिमाग को भेजते हैं और फिर हमें बताते हैं भाई हाँ ये फला चीज है। ठीक है, इससे जो हमारी बॉडी को पता चलता है, सेंस जिसको हम करते हैं। अब जो डॉक्टर डेविड जूलियस हैं उन्होंने क्या पता लगाया, देखिए कोई भी बॉडी के ऊपर आप गर्म चीज रखोगे बॉडी को तुरंत पता चल जाता है, सेंस कर लेते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स के माध्यम से इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिमाग में जाता है और हमें तुरंत पता चल जाता है। लेकिन अभी तक हम वो पर्टिकुलर जीन की खोज नहीं कर पाए थे जो टेम्परेचर, जब बॉडी के पास कोई भी गर्म चीज लाई जाती है कि उस टेम्परेचर कंडीशन में कौन सा पर्टिकुलर जीन एक्टिवेट होता है, मेरी बात समझ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे टीवी का रिमोट है, टीवी के रिमोट में जब आप मान लीजिए आपको टीवी ऑन करना है तो सबसे पहले आप रिमोट में बटन दबाओगे टीवी ऑन हो जाएगा आपका, फिर आप कहोगे मेरे को 9 नंबर का चैनल लगाना है, जब आप 9 नंबर का बटन दबाओगे तो 9 नंबर का चैनल ही लगेगा, 8 नंबर का तो नहीं लगेगा। इसी तरह हमारी बॉडी के ऊपर जब भी कोई टेम्परेचर वाली चीज आप रखोगे तो कौन से रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे, टेम्परेचर वाले, प्रेशर वाले तो नहीं होंगे ना, ठीक है, ठंडे वाले तो नहीं एक्टिवेट होंगे। तो हमें उन पर्टिकुलर जीन्स का पता नहीं था कि कौन से टेम्परेचर रिसेप्टर का काम करते हैं। तो इसीलिए जो डॉक्टर डेविड जूलियस थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन सेंसरी न्यूरॉन्स का सबसे पहले तो पता लगाया जो पेन, हीट और टच में क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं। बाद में जब इनको उन सेंसरी न्यूरॉन्स का पता चल गया, इन सेंसरी न्यूरॉन्स में से उन्होंने डीएनए फ्रेगमेंट, छोटे छोटे डीएनए फ्रेगमेंट्स को अलग किया और लाखों की संख्या में इनके पास सैंपल इकट्ठा हो गए। फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने टेम्परेचर कंडीशन क्रिएट करने के लिए एक कंपाउंड का यूज किया, कैप्साइसिन। कैप्साइसिन होता है, लाल मिर्च में पाया जाता है, ज्यादा लाल मिर्च खा लो तो आपकी आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं और आपको मुंह के अंदर बिल्कुल गर्माहट फील होने लगती है। तो टेम्परेचर इफेक्ट डालने के लिए इन्होंने किसका यूज किया, कैप्साइसिन का। तो इन्होंने क्या किया, जो लाखों सैंपल इन्होंने डीएनए फ्रेगमेंट के इकट्ठा किए थे, बारी बारी सभी सैंपल के पास इन्होंने कैप्साइसिन कंपाउंड की मौजूदगी करवाई और बाद में इनको पता चला कि हाँ ये पर्टिकुलर डीएनए फ्रेगमेंट है, ये पर्टिकुलर जीन है जो टेम्परेचर कंडीशन के दौरान हमारी बॉडी में एक्टिवेट होता है। तो अब इनको पता चल गया कि हाँ ये वो पर्टिकुलर क्या है, सेंसरी न्यूरॉन है जो हमारी बॉडी में टेम्परेचर रिसेप्टर का काम करता है। ये थी डॉक्टर डेविड जूलियस की खोज। और हाँ, इन्होंने इसी तरह टेम्परेचर रिसेप्टर का पता लगाया, इसी तरह इन्होंने ठंड के यानी कि कोल्ड रिसेप्टर का भी पता लगाया। और कोल्ड रिसेप्टर का पता लगाने के लिए इन्होंने किसका यूज किया, इन्होंने यूज किया मेंथोल का। किसका यूज किया, मेंथोल का। ठीक है, तो कैप्साइसिन और मेंथोल का यूज करके इन्होंने कोल्ड रिसेप्टर और टेम्परेचर यानी कि हीट रिसेप्टर का हमारी बॉडी के अंदर पता लगाया। अब जो डॉक्टर एडम पेटापोशियन है, इन्होंने क्या पता लगाया, देखिए अब प्रेजेंट में आप बैठे हैं, अभी प्रेजेंट ये वीडियो देख रहे हैं, आप अपनी बॉडी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डाल के देखिए उंगली से, तो आपको तुरंत पता चल जाता है हमारी बॉडी को दिमाग के थ्रू कि ये जो प्रेशर बॉडी के ऊपर पड़ा है ये सहने योग्य है। सॉरी। अब
प्रेशर थोड़ा आप ज्यादा हाई कर दोगे तो हमारी बॉडी को पता चल जाएगा ये टेम्परेचर सॉरी प्रेशर जो है सहने योग्य नहीं है। तो जैसे टेम्परेचर कंडीशन के दौरान रिसेप्टर एक्टिवेट हुए थे उसी उसी सेम मैकेनिज्म से हमारी बॉडी के अंदर जो प्रेशर रिसेप्टर होते हैं वो भी एक्टिवेट होते हैं जब हमारी बॉडी के ऊपर प्रेशर पड़ता है। तो उन्हीं प्रेशर रिसेप्टर को खोजा किसने? डॉक्टर एडम पेटापोशियन। मेरी बात समझ गए? ठीक है, तो ये डॉक्टर एडम पेटापोशियन की डिस्कवरी थी और जब इनको ये चीज मिल गई, ठीक है, ये पर्टिकुलर जो क्या बोलते हैं इसको जीन इनको मिल गए, इनका नाम इन्होंने रखा इन रिसेप्टर का पिएजो वन, और फर्दर आगे इन्होंने जब स्टडी की और इनको फर्दर रिसेप्टर मिले उसका नाम इन्होंने रख दिया पिएजो टू। तो ये दोनों डॉक्टर की बेसिक बिल्कुल आसान सी भाषा में मैंने आपको डिस्कवरी बताने की कोशिश इनकी की है, डॉक्टर डेविड जूलियस और डॉक्टर एडम पेटापोशियन की। ठीक है, तो कैसा आपको वीडियो लगा कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताइएगा। एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज कर देता हूँ, 2021 के लिए मेडिसिन के क्षेत्र में किन्हें नोबेल प्राइज मिला है? डेविड जूलियस और एडम पेटापोशियन, इन दोनों के बीच में ये प्राइज हाफ हाफ बटा है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।